हेलो फ्रेंड्स, सुधा नेट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ और ये है नारियल का शरबत। नारियल का शरबत तीन तरह से मैं बनाना बताऊंगी। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, देखने में तो बहुत ही सिंपल लगेगा और बनाना भी बहुत आसान है। तो इसके लिए हम लेंगे ये कटा हुआ नारियल, आप चाहे छिलका सहित ले या छिलके उतार के ले, मैं दोनों तरह से ये बता रही हूँ। ये मैंने दोनों तरह का नारियल लिया है, आप कोई सा भी लेंगे इसका स्वाद में कोई भी अंतर नहीं आएगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो हम एक मिक्सी का ये जार लेंगे और इसमें जो है थोड़े से ये कटे हुए नारियल डालेंगे। ये देखिए, यहाँ मैं छिलके वाला यूज कर रही हूँ और थोड़ा सा इसे डालना है और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ये चीनी। ये चीनी हम अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं। इसमें हम दो तीन चम्मच चीनी डालेंगे। ये तीन चम्मच मैंने चीनी डाला है, ये एक गिलास में बना रही हूँ। और इसमें थोड़े से आइस क्यूब मैं डालूंगी। ये देखिए, मैंने आइस क्यूब दो तीन आइस क्यूब डाल दिया और इसको मिक्सी के जार में ये ऐसे बंद कर कर और तीन से चार मिनट तक चला लेंगे। हमने मिक्सी के जार में पीस लिया है, ये देखिए कितना बढ़िया हुआ है। और अब हम एक गिलास लेंगे और ये गिलास में हम डालेंगे दो तीन आइस क्यूब और इसमें हम डालेंगे ये नारियल का शरबत। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ये चेरी डालकर सजाकर और सर्व कर लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया ये टेस्टी और बहुत ही टेस्टी नारियल का शरबत होता है। पेट को ठंडक भी देता है और बहुत ही पौष्टिक भी होता है। तो ये नारियल का शरबत जरूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा लगता है। नारियल का शरबत बनाएंगे गुलाब जल से, इसमें गुलाब जल का टेस्ट जो आएगा वो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसके लिए हम छिलका ये निकाला हुआ नारियल लेंगे, छिलका निकाल दिया है हमने और इसको हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। बहुत ज्यादा नहीं डालना है, हमें थोड़े से ही बनाना है। और इसमें हम डाल देंगे ये तीन चम्मच चीनी। और इसमें हम डालेंगे ये गुलाब जल। ये गुलाब जल हमने अगर बनाना सीखना हो तो आप मेरे चैनल सुधा नेट रेसिपी पे जाएं और गुलाब जल सर्च करें। ये मैं वीडियो पहले ही डाल चुकी हूँ और इस तरह से आप प्योर गुलाब जल बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ गुलाब जल और इसको हम अच्छे से चलाकर पीस लेंगे। देखिए, नारियल गुलाब जल का शरबत तैयार है। अब इसको हम एक बाउल में डालेंगे, इसमें हम दो तीन आइस क्यूब डालेंगे और इसमें हम नारियल का शरबत जो है ये सर्व करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, ये देखिए। तो इस तरह से ये हमारा हो गया दूसरा तरीका। अब मैं तीसरा तरीका बता रही हूँ। इसमें भी हम डालेंगे छोटे छोटे पीसेस से करके ये हम नारियल के टुकड़े डाल देंगे, थोड़े से नारियल में ही बहुत सारा शरबत तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी भी लगता है। और इसमें हम डालेंगे चीनी, ये तीन चम्मच मैंने चीनी डाल दिया। अब मैं पिस्ते से बनाऊंगी, तो ये मैंने पिस्ता लिया है, इसको थोड़ी देर पहले भिगो लिया है। अब मैं इसको भी इसमें ऐड कर दूंगी और इसको इसमें थोड़ा सा पानी डालकर पहले पीस लूंगी, उसके बाद थोड़ा और पानी डालकर इसमें पीस दूंगी। ये हमारा नारियल पिस्ता शरबत बनकर तैयार है और इसमें मैंने ऊपर से सभी में ऊपर से एक कटोरी पानी डालने की जरूरत पड़ती होती है। पानी और से डालें, पहले थोड़ा कम नारियल और वो लेकर पीसें ताकि अच्छा पेस्ट बन जाए, उसके बाद इसमें आप चाहें तो एक गिलास पानी डाल दें। तो ये देखिए हमारा नारियल पिस्ता शरबत तैयार है। अब इसको एक गिलास में ये आइस क्यूब डालूंगी और इसमें मैं ये नारियल पिस्ता शरबत ये तैयार है। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है और बिल्कुल कम नारियल में बहुत ही अच्छा ये शरबत बनकर तैयार हो जाता है। इसमें थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए ऊपर से थोड़ा सा मैं पिस्ता डाल दूंगी, ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इस तरह से हमारा तीन तरह का ये
नारियल का शरबत तैयार है। ये देखिए, ये सादा नारियल शरबत है और ये हो गया हमारा गुलाब जल और का नारियल शरबत। तो ये तीन तरह के नारियल शरबत हमने बनाना बताया है, बहुत ही टेस्टी लगता है, आप घर पर जरूर ट्राई करें। ये पेट के लिए ठंडक भी होता है और बहुत ही टेस्टी भी लगता है। तो इस तरह से हमारा तीन तरह का नारियल का ये शरबत तैयार हो गया। ये नारियल पिस्ता शरबत है, ये नारियल गुलाब जल शरबत है और ये सादा नारियल शरबत है। और इस तरह से आप नारियल का शरबत बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगेगा। गर्मी के मौसम में इसको पीजिए, बहुत ही गर्मी से राहत देने वाला शरबत है। तो ये हमारा शरबत आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब में कोई पैसा नहीं जाता है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, धन्यवाद। और जितना ज्यादा लाइक हो सके लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों मित्रों के पास, ताकि हमारे वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक मिले, कमेंट्स मिले, धन्यवाद।